ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಂಜಿತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಮಂಜಿತ್, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೈಸಾ ಲಗಾ ಪೂರಾ ಎ ಲೀಗ್? ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ ದೇಖೋ ಹಮೇ ನೈ ಪಹಚಾನ್ ಮಿಲಿ ಇಸ್ ಲೀಗ್ ಸೇ ಔರ್ ಅಚ್ಚೇ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ಟೀಮ್ ಥಿ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೋಯ್ ನಯೆ ಲಡ್ಕೆ ಭಿ ಥೆ ಕೈ ಪುರಾಣೆ ಲಡ್ಕೆ ಭಿ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನೆ ಹೈ ಬಹುತ್ ದಿನೋಕೆ ಬಾದ್ ಮತಲಬ್ ಯೇ ಲೀಗ್ ಹುವಾ ಯೇ ಹಮ್ ಐ ಪಿ ಎಲ್ ವಗೈರೆ ದೇಖ್ತೆ ಥೆ ಯೇ ಸೋಚ್ತೆ ಥೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಭಿ ಐಸೆ ಹೋ ತೋ ವೋ ಹುಯಿ ತೋ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗಾ ಔರ್ ಹಮೇ ಏಕ್ ನಯಿ ಪಹಚಾನ್ ಮಿಲ್ ಗಯಿ ಇಸ್ಸೆ. ಇಸ್ ಲೀಗ್ ಮೇ ಆಪ್ ಕಿಸಿ ಭಿ ಟೀಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ದೋ ಮ್ಯಾಚ್ ನಹೀ ಆ ರಹೆ, कैसा क्या प्लान बना के खेलते थे, क्या कोच ने क्या कहा? देखो हमारे ये था क्या 14 मैच है, 14 में से 7 या 8 मैच हम जीतेंगे तो सेमीफाइनल में जाएंगे. ये नहीं था कि हमने दिल्ली को ही 2 बार हराना है या बॉम्बे को ही 2 बार हराना, कोई भी लगातार जो मैच है हम जो आते गए, जो जीतते भी गए, हारते भी गए, ड्रॉ भी हो गए एक मैच, तो हमें ये नहीं था कि मतलब कि 7-8 मैच जीतना, हमें ये था कि सेमीफाइनल में पहुँचाएगा और वो पहुँच गए. अब पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा खुशी किस मैच जीत कर जीतने के हुए और सबसे ज़्यादा दुख किस मैच हारने के बाद हुआ? देखो वो तो खुशी तो यही है कि कल जो मैच हम जीते और सेमीफाइनल में पहुँचे, वो उससे खुशी की और क्या बात है. और दुख ये है कि जो हम पटना से हार गए परसों का मैच, जो जीत के भी हार गए, तो वो सबसे अच्छा ये हुआ कि मतलब कि कल जो जीत के वो खुशी थी और गम के लिए था वो परसों का दिन था. सेमीफाइनल के लिए क्या तैयारी बनाई, कैसा स्ट्रैटेजी? अभी तो आज खेले हैं, सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, अभी कल रणनीति बनाएंगे. हमारे कोच है रणधीर सिंह जो अर्जुन वाडी हैं, ये हमें बेनिफिट है क्योंकि और कोचों में अर्जुन वाडी कोच नहीं है और टीमों में, तो ये बेनिफिट है हमें. वो अच्छे खिलाड़ी भी रहे, एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट था 1990 में, तो अभी बनाते हैं कल रणनीति. अच्छे खेलेंगे बॉम्बे के साथ, बॉम्बे में हो रहा है, हमारे ऊपर दबाव नहीं रहेगा, दबाव उनके ऊपर रहेगा, तो थोड़ा अच्छा करेंगे. सब खिलाड़ी फिट है? हाँ सभी खिलाड़ी फिट हैं, थोड़ा अभी तो अच्छा करेंगे. अभी मैच देखा आपने, ठीक है, थोड़ी मेरे इंजुरी है गर्दन में है और थोड़ी और लगी नोज पे, तो नो प्रॉब्लम, देखते हैं अभी कल परसों का अच्छा मैच खेलेंगे. ओके, हाल तो थैंक यू थैंक यू. ಇದು ಮಂಜಿತ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ತುಂಬ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೇನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಆಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೊತೆ ರವಿ, ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.